हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग बताए, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसका प्रथम सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर कौन सा सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का यूनिट नंबर सेकंड हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत लंबा यूनिट है। इसमें आपको संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना है, संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन, इसकी नागरिकता, मतलब तो बहुत सारे एस्पेक्ट टच करने हैं। तो ऑलरेडी लगभग इससे दो या तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, कि भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या है, सिद्धांत क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इन चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो जरूर जाकर के आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आएंगी कि कैसे कैसे भारतीय संविधान बना, उसके बनने के पीछे कौन कौन से रीजंस थे, क्या ऐसे कैसे भारतीय संविधान का डेवलपमेंट हुआ। इन सभी चीजों पर हमने डिस्कस कर रखा है, जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है भारतीय संविधान की मूल संरचना और सिद्धांत, कि भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या है और सिद्धांत क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत का जो संविधान है, एक ऐसा संविधान है जो संविधान लोगों के लिए बनाया गया, जो संविधान बनाने के लिए एक ऐसी संविधान सभा की गठन किया गया, जो संविधान सभा एक तरीके से देश के हर हिस्से के हर इंसान का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। मतलब कहने का अर्थ है कि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो क्या हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो वहां के लोगों का नेतृत्व करते थे, वहां के कोई पॉपुलर व्यक्ति है, कोई नेता है, या जिनको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनमें लोग आस्था रखते हैं, जिनके बातों को लोग सुनते हैं, उन लोगों को पिकअप किया गया, उन लोगों को उठाया गया और संविधान सभा में एकत्रित किया गया। क्योंकि क्या है कि वहां के लोगों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर हम दिल्ली में बैठ करके जो है बिहार के लोगों के बारे में बात करें, या फिर कन्याकुमारी के लोगों के बारे में निर्णय लें कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी या उनको क्या चीजों की जरूरत होगी, तो शायद हम उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो संविधान सभा में क्या किया गया कि हर जगह से लोगों को उठाया गया और उन्होंने अपने हिसाब से कि क्या चीजें उनके यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज सही है या गलत है, तो मंथन करके एक संविधान सभा बनाया गया और उसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान की स्थापना हुई। तो भारतीय संविधान की संरचना के बारे में बात किया जाए तो पहली चीज जिसमें आता है कि भारत का जो संविधान है ना, ये एक लिखित संविधान है, यानी कि ये परंपराओं पर आधारित संविधान नहीं है, बल्कि विश्व के अलग अलग जो संविधान है, दुनिया के अलग अलग संविधान है, उन संविधानों से कुछ कुछ चीजें इकट्ठी की गई और कुछ अपनी तरफ से, अपने देश की तरफ से जो संविधान का रूल्स हो सकते हैं, जो रेगुलेशन हो सकते हैं, वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। दुनिया के जितने भी संविधान थे, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कौन से देश के संविधान से क्या चीजें लाई गई और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको अपने देश के संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से लिखित है, एक ग्रंथ के रूप में, एक बुक के रूप में पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके, दूसरी चीज है भारत का जो संविधान है इसकी संरचना विस्तृत है, यानी कि भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है। आप दुनिया के किसी भी संविधान से कंपेयर करोगे ना, तो भारतीय संविधान आपको बड़ा संविधान दिखाई देगा। ओके, आप देखो कि भारत का जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है हमारे संविधान में, जबकि अगर अमेरिका के संविधान से किसी तुलना करोगे ना, तो अमेरिका के संविधान में टोटल 9 अनुच्छेद हैं, कितने 9, और हमारे में 395 अनुच्छेद हैं। तो बहुत विस्तृत हमारा संविधान लिखा गया, क्योंकि इसमें हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत विधिवत लिखा गया है। अगली चीज है आपका जन संप्रभुता की स्थापना, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा क्या हुआ कि जन संप्रभुता की स्थापना हुई, कि लोगों की संप्रभुता, लोगों के हिसाब से, क्योंकि हर जगह से लोग अपने प्रतिनिधियों को लेकर के आए थे और उनके प्रतिनिधियों ने उनके लिए काम किया है, तो जन संप्रभुता का सिद्धांत हो गया, उसकी स्थापना हो गई कि लोगों के हिसाब से, लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से संविधान बनाया गया है। अगली चीज आपका लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि संविधान इंट्रोड्यूस होने के बाद शासन व्यवस्था किस तरीके से हो गई, लोकतंत्रात्मक हो गई। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोगों का शासन या लोगों के लिए किया गया शासन। जब लोकतंत्र का फुल फॉर्म देखोगे तो ये होता है लोगों के लिए किया गया शासन, लोगों के द्वारा किया गया शासन या लोगों का शासन। तो लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई, वोटो की बारी आई, मतलब अपना मत देने की बारी आई कि हम मत से अपने हिसाब से, जिसको लोग बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे, जिसको बहुत ज्यादा लोग वोट करेंगे, 50% से ज्यादा आबादी जिसको वोट करेगी, वही जो है नेता बनेगा या फिर वही प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हो गई। अगली चीज है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गया, यानी कि ऐसे राज्य बने जो लोगों की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि जो राज्य बन रहा है या जो गवर्नमेंट बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है, लोगों के द्वारा ही बन रही है। लोग जिसको मत दे रहे हैं उसी से गवर्नमेंट बन रही है, उसी से सरकार बन रही है। अगर लोग के खिलाफ वो काम करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, लोग किसी और को मत दे देंगे अपना,
और उसकी सरकार गिर जाएगी। तो लोगों के कल्याण करना एक तरीके की मजबूरी भी बन गई और संविधान के द्वारा उसको बाकायदा अच्छे तरीके से बताया गया कि किसका क्या जिम्मेदारी है और लोग कैसे लोगों की भलाई की जाए। तो संविधान की संरचना का ये एक पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें संविधान की संरचना को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कि हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया इसमें कौन कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन सी चीज भारतीय संविधान को महान बनाती है, भारतीय संविधान को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाती है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, समझ रहे हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए देखते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। आप देखोगे दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में इसका नाम आएगा। कितनी अनुसूचियां हैं इसमें, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं। तो ये अपने आप में बहुत विस्तृत प्रलेख है, मतलब लेख के रूप में, बुक के रूप में लिखा गया है, मतलब ये एक लिखित संविधान है। दूसरा चीज है आपका औपनिवेशिक प्रणाली का अंत हुआ। भारतीय संविधान में क्या हुआ कि औपनिवेशिक प्रणाली का अंत हुआ और एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तीसरी चीज है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि संविधान के माध्यम से क्या किया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि अपने हर एक डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार है, यानी कि अपने हर एक डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, हमको अपने डिसीजन से अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब पूरी पावर अपने हाथ में हो, ऐसा संविधान बनाया गया। अगली चीज है आपका समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य मतलब कि राज्य ऐसे होंगे जो अपने लोगों की भलाई के लिए होंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो उनको हटा देगी। तो एक तरीके से समाजवादी राज्य बन सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि जो भी राज्य होगा वो कभी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया गया होगा, यानी कि धर्म के आधार पर किसी राज्य को अलग नहीं किया जाएगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। हर कोई अपनी मर्जी से जिसकी जिस धर्म में आस्था है वो उस धर्म की पूजा कर सकता है, उस धर्म की अर्चना कर सकता है या उस धर्म के हिसाब से अपने जीवन शैली को चला सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया संविधान के हिसाब से। संसदीय शासन प्रणाली लाई गई, संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, तो एक रूल बनने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसमें किसी की मोनोपोली ना हो सके, कोई किसी चीज को अपने प्रभाव में ना ले सके, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो जिससे कि मोनोपोली ना आ पाए, मतलब कोई अपनी मर्जी से ना कर पाए कोई चीज, मतलब उसके लिए सभी की सहमति होनी चाहिए और अच्छे रूल्स आ सके, इसके लिए संसदीय शासन प्रणाली लाई गई। हमारे संविधान में मूल अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है कि हमारे क्या मूल अधिकार है, एक जो नागरिक है भारत देश का उसके मूल अधिकार क्या है, भारत देश के नागरिक के मूल कर्तव्य क्या है, क्या उसके लिए ड्यूटीज है, क्या उसको करना चाहिए। तो मूल कर्तव्य और मूल आदर्शों के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है संविधान के अंदर ही। अगला चीज है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, कि आर्थिक सिचुएशन में या फिर कोई दिक्कत आती है तो उस समय नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होगा, किस तरीके से आर्थिक प्रणालियां चल रही होगी, इस चीज के बारे में भी संविधान में बात किया गया है। व्यस्क मताधिकार की भी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुसार। व्यस्क मतलब माना जाता है भारत में 18 साल से प्लस जो लोग हैं वो व्यस्क माने जाते हैं, तो उनको चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या फिर वो जो है ऐसे जेंडर हो जिनको मतलब स्त्री पुरुष के बीच में जो रहते हैं, तो कोई भी हो अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसको वोट देने का, अपना मत देने का अधिकार है और अपनी गवर्नमेंट, अपना सरकार, अपना नेता चुनने का उसको अधिकार है। अगला चीज है आपका कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है, यानी कि भारत का संविधान कठोर भी है, यानी कि संविधान में कुछ चीजें चेंज करनी हो तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, और लचीला भी है कुछ चीजों में, बहुत लचीला है। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, एक मिक्सचर है इन दोनों। अगली चीज है भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता देखने को मिलती है। अब दुनिया के जितने भी कंट्री जो संघ को फॉलो करते हैं, जो संघ तरह के तरह में है कि एक बड़ा मतलब एक केंद्र है और अलग अलग राज्य है, तो उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है कि एक तो केंद्र की नागरिकता है और दूसरी अपने राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत में क्या किया गया, एक हरी नागरिकता को इंट्रोड्यूस किया गया कि मतलब भारत में किसी राज्य में भी कोई व्यक्ति हो तो उसकी एक ही नागरिकता रहेगी कि वो भारतीय है, समझ रहे। अगली चीज इसका है आपातकालीन उपबंध, यानी कि आपातकाल के समय में मान लिया कोई बाहरी आक्रमण हो गया या फिर कुछ आंतरिक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई तो राष्ट्रपति उस समय आपातकालीन घोषित कर सकता है और सारी जो बागडोर है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगी। तो आपातकालीन की भी व्यवस्था की गई है कि मैं भी कभी टाइम पर तो आपातकाल की व्यवस्था करनी हो या आपातकाल आ जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो उस टाइम पीरियड पे क्या किया जाए,
तो आपातकाल की भी व्यवस्था है। भारतीय संविधान ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया हुआ है कि एक राज्य की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने नागरिकों का कल्याण कर सके, वो अपने नागरिकों के लिए कुछ बेहतर कर सके, वो अपने नागरिकों के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गया। लोक संप्रभुता, यानी कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि लोगों की लोक संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब पावर, लोक मींस लोगों का पावर है। अब इस किस बिहेवियर में इस चीज को कहा गया, इस चीज को समझो कि लोगों के अंदर पावर है। मतलब क्या कि लोग ही अपना गवर्नमेंट चुनते हैं। जो सरकार जो पावर में होती है ना, उसको कौन चुन करके लाता है? जनता। तो जनता के पास अपनी पावर है। अब जनता उसका किस तरीके से यूज करेगी, ये जनता के ऊपर है। तो इसीलिए अगर एक देश में जहां पर लोकतंत्र की पावर हो ना, उस देश में लोगों को शिक्षित होना, उस देश में लोगों को पढ़ा लिखा होना, उस देश में लोगों का इंटेलेक्ट डेवलप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भेड़ बकरियों की तरह किसी को भी वोट नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। सो हमारे भारतीय संविधान को एक विशेष बनाता है, जो हमारे भारतीय संविधान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। संरचना और सिद्धांत के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था दोस्त हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। ऑलरेडी आपके नागरिक शास्त्र से रिलेटेड जो है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके लिए वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी है। आपने कल ही अभी अटेंड किया होगा, हमने लाइव के रूप में इसको प्रीमियर किया हुआ था। तो अगर आपने अटेंड किया था तो ठीक है, अगर नहीं किया था तो एक बार जाकर के विजिट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं पूरे आपके राजनीति के फर्स्ट सेमेस्टर से, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं और भी लगातार क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करके रखो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी कुछ अच्छा सीख सकें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।